स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एस्टोटी में। आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में हम बात करेंगे टेराफॉर्मिंग ऑफ वीनस। तो मतलब वीनस को अर्थ जैसा क्यों बनाए, मतलब कैसे बनाया जाए, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं वीनस क्यों बात कर रहा हूँ, मंगल का क्यों नहीं बात कर रहा, मार्स के बारे में क्यों नहीं बात कर रहा। तो पहले आप ये समझिए कि मार्स पे आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी तिकड़म लगा लीजिए, कोई भी मतलब करामात कर दीजिए, मार्स उसको पकड़ के नहीं रखा रहेगा। मार्स में आप कुछ भी कीजिएगा वो शॉर्ट टर्म होगा, और जो मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ ये काफ़ी शॉर्ट टर्म बात कर रहा हूँ, मिलियन ईयर्स में नहीं बात कर रहा हूँ कि मतलब 1-2 करोड़ साल बाद होगा। मतलब लिटरली आपने आज एटमोसफेयर दे दिया, वो 100 साल के अंदर खो देगा एटमोसफेयर को। तो मतलब समझ लीजिए आप जिंदा रहोगे और आपका दम घुटने लग जाएगा। तो लॉन्ग टर्म तो है ही नहीं, मंगल में कुछ किया नहीं जा सकता। तो इसी कारण से मैं वीनस पे बात करना चाहता हूँ, जिसको अगर आप कुछ करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बनाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा, टेराफॉर्मिंग के बहुत सारे टाइप होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं जिसे बहुत तिगड़म वाला टाइप कहा जाता है, जिसे क्लासिक टेराफॉर्म नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लासिक टेराफॉर्म की बात कर रहा हूँ। तो क्लासिक टेराफॉर्म का मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो फिजिक्स आपको और मुझे आता है, जो आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिस पे आज हम लोग काम करते हैं, उसका इस्तेमाल करके टेराफॉर्मिंग करना। आपको एक आइडिया देने के लिए, एक अंदाज़ा देने के लिए कि कुदरत में ऐसा होता रहता है, जैसे कि जब धरती शुरू शुरू में बनी थी तो बहुत गर्म थी, ठंडा हो गया ना धरती में, शुरू का जो एटमॉस्फेयर था उसमें CO2 बहुत ज़्यादा था। माइक्रोबियल लाइफ जो उस टाइम आया वो मतलब एलजी का ही बड़ा भाई समझ लीजिए था, ब्लैक एलजी टाइप समझ लीजिए, वो CO2 को खाने लगा एटमॉस्फेयर से। हाँ, कई हज़ार करोड़ साल के बाद वो इतना खा लिया कि जो वो एग्जॉस्ट दे रहा था, मतलब उसके नज़र से ऑक्सीजन जो एग्जॉस्ट था, वो एग्जॉस्ट के चलते वो लोग मर गए। तो दूसरे जो लाइफ फॉर्म आए वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करने लगे, मतलब हम लोग ऑक्सीजन पर ब्रीथ करते हैं। लेकिन आप अभी भी देखिए कि सबसे लंबा जीने वाला क्रीचर यानी कि पेड़ पौधा, मतलब एक एक जंगल होते हैं जिसमें मतलब एक पेड़ लगभग 4000 साल तक जी सकता है, उतना लंबा जीने के लिए आपको ज़रूरी है आप कार्बन डाइऑक्साइड में चलिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड आप समझ लीजिए हमारे एटमॉस्फेयर में भी था, लेकिन लाइफ ने ही उसको संभाल लिया, मतलब लाइफ ही उसको चला दिया, कोई इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसी तरह से अगर आप कभी मान लीजिए अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, कोई आपको ग्रह दिखता है जिसमें ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर है, तो समझ लीजिए सिर्फ दो ही चीज़ हो सकता है, या तो वो अभी बहुत ताज़ा ताज़ा प्लैनेट है, अभी कुछ ताज़ा हुआ है जिसके चलते ऑक्सीजन है, नहीं तो मतलब लाइफ है वहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन किसी ना किसी चीज़ के साथ बॉन्ड कर जाता है और एंड में यही होता है कि ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है एटमॉस्फेयर से, या तो वो एटमॉस्फेयर के बाहर निकल जाएगा एवेपोरेट होके, या मतलब हाइड्रोजन के साथ मिलके वाटर बना देगा, या पत्थर में अब्जॉर्ब हो जाएगा जैसा धरती में हुआ है, ताकि तभी आपको हर जगह मिट्टी लाल जैसी दिखती है जो आयरन ऑक्साइड जिसमें होता है। तो मतलब आप ये समझिए कि ऑक्सीजन एक्टिव एलिमेंट है, वो शांति से बैठा नहीं रहता है। तो क्लासिक टेराफॉर्म जब अर्थ पे हो चुका है तो वीनस पे भी किया जा सकता है, मतलब फिजिक्स आपको नहीं बोल रहा कि ये नहीं हो सकता, फिजिक्स आपको दिखा दिया, एक एग्जांपल दिखा दिया अर्थी में। अब आप ऑब्वियसली उसने कई करोड़ साल लिया, आप उसको कुछ 100 साल में कीजिए। तो और ये भी समझिए ये धरती के बहुत नज़दीक है, तो मतलब अगर आप धरती से मंगल जाना चाहते हैं तो जितना टाइम लगेगा वही रॉकेट लेके आप धरती से अगर वीनस जाना चाहते हैं वो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, ये नज़दीक है हमारे से। यानी कि अगर आप रेडियो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो लैग जो है वो कम होगा, यानी आप ईमेल में चैट में कर पाएंगे, यहाँ पे तो आपको मतलब हाँ हेलो बोलेगा रुको 20 मिनट उसके बाद आएगा, यहाँ पे 10 मिनट लगेगा। तो आप ये समझिए कि ये बहुत नज़दीक है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप मंगल में सब तिकड़म लगा लीजिए, एटमोसफेयर बना के डाल दीजिए, ओशियन बना के डाल दीजिए, और हर बार उसको रिफ्रेश करते भी रहिए, लेकिन आप उसको ग्रेविटी नहीं दे सकते, कितना भी तिगड़म लगा लीजिए आप उसको ग्रेविटी नहीं दे सकते। इसी कारण से मैं वीनस की बात कर रहा हूँ कि वीनस का ग्रेविटी धरती के बराबर है। तो ये फोटो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आप समझिए कि रफ आइडिया देने के लिए है कि अगर आप बगल बगल धरती मंगल को रख देते हैं तो कितना बड़ा साइज का अंतर है, लेकिन अगर आप धरती और वीनस को रख देते हैं तो लगभग सेम साइज़ का है। ये अगर 1G है यानी एक ग्रेविटेशनल फोर्स साइज़ का, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड, तो ये लगभग 8.9 मीटर पर सेकेंड पे है, ये बहुत कम है, ये मतलब 4 के आसपास है। तो ये मतलब समझिए 30-40% देता है ग्रेविटी, ये लगभग 90% पे है। तो अगर आप मंगल पे चले गए 2 साल रह लिए आप वापस नहीं आ सकते, क्योंकि जैसे आप आइएगा आपका हड्डी इतना कमज़ोर हो चुका होगा कि पैर जैसे रखे धरती में टूट गया। और ये होता है, हम लोग एस्ट्रोनॉट्स जो ISS में थे उसके देखने के बाद ये समझ में आ गया कि ग्रेविटी हम हमारे हड्डी को लिए चाहिए, आप एक्सरसाइज करके मसल बनाए रख सकते हैं लेकिन हड्डी नहीं बचेगा। तो इसी कारण से ये समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर कोई इंसान रहता है वो वापस आ सकता है, यहाँ पर आप अर्थ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से वापस आ सकते हैं, मार्स पे आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इस कारण से मैं वीनस पे ध्यान देता हूँ कि कुछ भी आप कर लीजिए आप ग्रेविटी तो दे नहीं सकते, और जब ये हमारे पास ग्रेविटी है ही ऑलरेडी तो आप क्यों तिगड़म लगा रहे हैं। और ये क्लासिकली टेराफॉर्म हो सकता है, इसके लिए तो मार्स के लिए बात करते हैं मैग्नीटो शील्ड बनाने की, जो मतलब जिन साइंटिस्ट ने प्रपोज किया वो भी बोल दिया भाई इसका टाइमलाइन नहीं आ रहा है, कितना करोड़ साल लगेगा इसको होने में,
और वो सुपर कंप्यूटर में हुआ था। तो आप ये समझिए कि ठीक है चलो वीनस पे करते हैं, लेकिन कैसे करेंगे? तो सबसे पहला चीज़ चाहिए आपको सोलर शेड, यानी कि सन सन को आपको काला चश्मा पहना देना है। तो आप सन को तो नहीं पहना सकते, तो आपको ग्रह को पहनाना पड़ेगा। तो क्या इसका क्या मतलब है? आप ये समझिए चीज़ दो तरह की होती है, या रिफ्लेक्ट कर देती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, कोई भी चीज़ हो। तो हम लोग कुछ ऐसा चाहिए साइनी चीज़ जो रिफ्लेक्ट कर देती है। तो इस तरह के ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसे कहा जाता है सोलर सेल। जनरली सोलर सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हम लोग सोलर सिस्टम में रहते हैं, नहीं तो हम लोग इसे लाइट सेल कहते हैं। मतलब कि अगर इस पर आप लाइट मारते हैं, टॉर्च से लाइट मारते हैं, ये उससे फेंका जाता है पीछे। हाँ, इसको धरती में ट्राई मत कीजिए, इसका बहुत कम पावर होता है। आप बहुत बड़ा अंतरिक्ष में बना देते हैं तो सूर्य की इतनी रोशनी से वो जाने लगता है, लेकिन जैसे जैसे दूर बढ़ता जाएगा तो स्पीड कम होता जाएगा। तो इस तरह की चीज़ हम लोग बना चुके हैं, टेस्ट भी कर चुके हैं, अंतरिक्ष में लगा के देख चुके हैं कि कैसे काम करता है, क्या है, और रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। तो आप बोलोगे ठीक है, लेकिन ग्रह को ढकने के लिए तो काफ़ी बड़ा चीज़ बनाना होगा। बहुत बड़ा बनाना है भाई, कई हज़ार किलोमीटर का बनाना है। तो इसके बारे में एक आइडिया देता हूँ कि हम लोग बहुत लकी हैं, इंसानियत बहुत लकी है कि हमारा सोलर सिस्टम में जो सन है, यानी कि जो इसका सूर्यदेव है, ये थोड़े ठंडे टाइप है। मतलब आप ये समझिए कि ये इंफ्रारेड में ज़्यादा ब्राइट है। मतलब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखिएगा तो ये इंफ्रारेड में ब्राइट है, एक्सरे और गामा रे में नहीं है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि इंफ्रारेड को रोकना पॉसिबल है। आप एक्सरे और गामा रे को नहीं रोक सकते, वो किसी भी चीज़ के आर पार चला जाता है। तो इस कारण से एल्युमिनियम फॉइल से आप इंफ्रारेड को रोक सकते हैं। एल्युमिनियम फॉइल का अगर आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ कि अगर आपको एक किलोमीटर का आपको एक शीट बनाना है जो कि इंफ्रारेड रोक दे, उसके लिए आपको सिर्फ 100 किलो ये एल्युमिनियम चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। मतलब बहुत मोटा आपको दीवार नहीं चाहिए, एकदम पतला सा काम हो जाएगा। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाना चाहिए कि ये असंभव नहीं है। लेकिन एक किलोमीटर स्क्वायर तो कुछ नहीं है, जहाँ कई लाख करोड़ किलोमीटर की बात हो रही है। तो ये सब धरती से नहीं किया जा सकता, आपको करना पड़ेगा चांद से। चांद से ही आप माइनिंग करके वहाँ भेज सकते हैं, धरती से नहीं भेज सकते। अगर मून माइनिंग नहीं हो रही है, वीनस को भूल जाइए। मून माइनिंग होने लगा तब वीनस के बारे में बात किया जा सकता है। तो मून माइनिंग के बारे में तो आप मेरा यहाँ वीडियो देख ही सकते हैं। तो बहुत सारे छोटे मिरर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप ऐसा मत सोचिए कि एक बड़ा सा मिरर बना रहे हैं, बहुत सारे छोटे 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 मिरर की बात हो रही है। क्योंकि आप एक बहुत बड़ा बनाएंगे, बनाया ही नहीं जा सकता, फिजिक्स नहीं लगता, वो अपने ही वजन में टूट जाएगा। तो उसको बना तो लिया, लगाएंगे कहाँ पे? लगाने के लिए आपको लग्रांज पॉइंट 1 पे लगाना पड़ेगा। जैसे कि मेरा आप पिछला एपिसोड देखेंगे ऑर्बिट्स के बारे में, जो यहाँ देख सकते हैं। तो लग्रांज पॉइंट ऐसा जगह होता है जहाँ पे अगर आप कुछ रख दिए, वो सूर्य और ग्रह, जो भी ग्रह है, मंगल हो चाहे पृथ्वी हो, वो ग्रह उसको फंसा देता है। अब यहाँ पे अगर आप फंस गए यानी L1 पे, तो ये होगा कि अगर आप वहाँ कुछ रख दिए वो वहीं रहेगा। हाँ, थोड़ा सा आगे पीछे होगा, ये परफेक्टली स्टेबल पॉइंट नहीं है, लेकिन वहाँ पे रहने के बाद आपको कुछ रॉकेट लगा के इसको फिक्स नहीं करना। आपको बस थोड़ा थोड़ा रॉकेट बीच बीच में चला के कॉम्पनसेट करना है कि भैया ठीक है तुम स्थिर रहो। तो L1 पॉइंट जो है वहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा रॉकेट इसको बीच बीच में इसको ऑर्बिट करेक्शन करते रहेंगे, नहीं ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे करके हम लोग इसको ठंडा करना स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद होगा क्या? ठीक है, आपने सनसेट आज बनाया, लगा दिया कल, उसके बाद क्या होगा? तो आप ये समझिए कि ठंडा होना तो शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप जो गर्मी आ रही है सूर्य से, उसने आपने काट दिया। और थैंकफुली आप हम लोग काट सकते हैं कि हमारा सूर्य इंफ्रारेड में गर्म है। तो ठीक है, आपने काट दिया। तो ऐसा है कि आज काट दिया कल ठंडा हो जाएगा? नहीं, 200 साल से ज़्यादा लगेगा। तो बोलो यार इतना क्यों लग रहा है, जो सूरज की गर्मी ही काट दी है तो इतना टाइम क्यों लगेगा? आप ऐसा समझिए, ग्रह के नज़र से देखिए तो एक ग्रह तो वैक्यूम फ्लास्क में है ना। मतलब उसको अपनी गर्मी देने के लिए उसके पास सिर्फ रेडिएशन का मात्रा है, वो रेडिएशन से ही अपना गर्मी इधर उधर फेंक सकता है। तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। और आप बोलोगे कि रेडिएशन से कैसे दे पाएगा, क्योंकि अगर रेडिएशन बाहर निकाल पाता तो उतना गर्म होता ही नहीं, ग्रीन हाउस इफेक्ट तो उसको रोक देता है। बात सही है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के बारे में आप हमेशा एक बात को ध्यान रखिए कि कितना इनपुट है एनर्जी का। अगर इनपुट आ रहा है कंटिन्यूसली, मतलब 24/7 एक ग्रह के नज़र से तो हमेशा ही आता रहता है सूर्य की गर्मी, और उसको अगर वो बाहर नहीं फेंक पा रहा तब प्रॉब्लम होती है। ग्रीन हाउस ऐसा नहीं है कि कोई गर्मी बाहर नहीं निकलती, गर्मी आराम से बाहर निकलते रहती है, लेकिन मतलब आने का जो है इनपुट जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तब इनपुट और आउटपुट का बैलेंस बिगड़ गया। जब आपने इनपुट काट दिया तो भले छोटा सा ही आउटपुट हो, टाइम के बाद वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से नीचे आने लगेगा, क्योंकि ठंडा होते जा रहा, थोड़ा सा ठंडा हुआ, थोड़ा और नीचे आया, थोड़ा और ठंडा हुआ और नीचे आया, उसके बाद इतना ठंडा हो जाएगा कि ये CO2 जो है वो आपका ओशियन बन जाएगा। तो आप बोलोगे यार CO2 तो ओशियन बन लिक्विड नहीं बन सकता। बन सकता है, हमारे को आपको और इसलिए नहीं दिखता क्योंकि हम लोग उतने प्रेशर पर नहीं रखते। वीनस में बहुत प्रेशर है, इसलिए वो पहले ओशियन बनेगा। तो पहले बारिश होने लगेगी जिसमें मतलब CO2 लिक्विड बन के नीचे गिरेगा, और उसके बाद जैसे जैसे एटमोसफेयर घटते जाएगा, मतलब चूँकि वो नीचे गिरे जा रहा है, उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि
कार्बन डाइऑक्साइड जो नीचे गिरेगा वो लिक्विड नहीं रह पाएगा क्योंकि प्रेशर नहीं है, लेकिन ठंडा तो है, तो क्या होगा कि वो बर्फ़ बन जाएगा। तो ऐसा होगा कि आपके पास एक समुंदर होगा, समुंदर के ऊपर एक बर्फ़ की शीट बन जाएगी, वो बर्फ़ ड्राई आइस रहेगा। तो ये इतना होने के बाद ऐसा होगा कि एटमॉस्फेयर में सिर्फ नाइट्रोजन बचा रह जाएगा और थोड़ा सा ऑक्सीजन। तो आप बोलोगे कि नाइट्रोजन तो बहुत कम है वीनस में, 3% ही है। बात सही है, लेकिन नाइट्रोजन हमारे से ज़्यादा है, हमारे एज इन पृथ्वी से ज़्यादा नाइट्रोजन यहाँ है। तिगड़म यह है कि वीनस का एटमॉस्फेयर इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा है कि उसका 1% भी धरती के नाइट्रोजन के कंपाउंड से बड़ा होता है। तो वहाँ बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन है, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको नाइट्रोजन लाना पड़े, नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन के लिए आप कार्बन डाइऑक्साइड से निकाल ही सकते हैं। तो तिगड़म आप समझ लीजिए कि किया जा सकता है। तो ये होगा जब आप ये सनशील है, और ये मान लीजिए सनशील आप लगा के भूल सकते हैं, ठीक है मैंने लगा दिया, छोड़ दिया, आप छोड़ो, उसमें आपको कुछ तिगड़म नहीं करना है। तो आप कीजिएगा क्या कि ठीक है, आप किसी इंजीनियर को बोलना चाहिएगा, ठीक है इंजीनियर या किसी कंट्री को आप बोल रहे हैं ठीक है आप 200 साल दो, तो वो 200 साल खाली बैठना कोई नहीं पसंद करेगा, और अच्छा आइडिया भी नहीं, आप क्यों टाइम वेस्ट करोगे। तो उस दरमियान हम लोग कुछ प्रॉब्लम को पहले ही सुलटा सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, मतलब धरती का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास ऊर्जा नहीं है। तो ऊर्जा का यहाँ समस्या सॉल्व किया जा सकता है। 250 साल काफ़ी लंबा टाइम होता है, ये बात याद रखिए, 200 साल सबसे मिनिमम बताया जाता है, मतलब आप 200 साल से अंदर तो नहीं ये कर सकते। हाँ मतलब उससे थोड़ा आगे खींच सकता है, मतलब 200 से 300 साल खींच सकता है, लेकिन मतलब 200 से 300 का ही रेंज हमेशा दिया जाता है कि अगर आप सन को पूरा रोक डालें तो उतना टाइम में वो ठंडा हो जाएगा। और याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि अगर आप वहाँ लगा के छोड़ दिए उसको कि मतलब इनपुट नहीं आ रहा है उसके बाद एनर्जी का, तो वो घटते ही चला जाएगा, क्योंकि अगर सनशेड आप रख दिए तो एक पॉइंट के बाद सिर्फ एक्सरे और गामा रे से हीट होता रहेगा और वो बहुत कम होता है। तो क्योंकि हमारा सन उस पर उतना ब्राइट नहीं है एक्सरे और गामा रे में, तो आपका समझ लीजिए प्लैनेट माइनस टेम्परेचर पे भी जा सकता है। तो आप तो चाहोगे ना कि माइनस मतलब 20 डिग्री सेल्सियस रहे, -20 नहीं रहे। तो इस कारण से आपको थोड़ा थोड़ा सा इसमें ऊर्जा वापस डालना पड़ेगा। तो क्यों ना जो चीज़ आपने पहले ही बना दिया अंतरिक्ष में, आपने सोलर शेड बना लिया जो कि मैंने आपको बताया रिफ्लेक्ट करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है, उससे आप एक सोलर डिस्क बना लीजिए, पावर कलेक्टर टाइप, जिसके बारे में आप मेरा पूरा वीडियो यहाँ देख सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल करके आप ये कर सकते हैं कि ऊर्जा का समस्या ग्रह बनने से पहले ही सॉल्व कर सकते हैं। तो आप बोलोगे कितना ऊर्जा मिलेगा, तो आपको एक आइडिया देने के लिए आप ये समझिए कि पृथ्वी पे अगर हम लोग को पूरा ऊर्जा का बिल चाहिए कि कितना बिल लगता है, तो करीब करीब 20 से 30 टेरावाट प्रति घंटा हम लोग खा जाते हैं, काफ़ी बड़ा ऊर्जा है। धरती पे सूर्य से करीब करीब 1000 गुना ज़्यादा, उससे ज़्यादा ऊर्जा आती रहती है, तो उसमें सोचना नहीं है। और ये चूंकि सूर्य से ज़्यादा नज़दीक है तो ये उससे भी ज़्यादा एनर्जी मिल रहा है इसको, और आप अंतरिक्ष में कलेक्ट कर रहे हैं तो एटमॉस्फेयर उसको हटा नहीं रहा है, तो बहुत 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 ज़्यादा ऊर्जा है जो आप आराम से कलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि पूरे के पूरे सिविलाइजेशन को आप चलाने लायक ऊर्जा पहले ही बना सकते हैं। उसको बनाने में भी टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि आज स्टार्ट किया कल बन जाएगा, उसको बनाने में भी टाइम लगेगा। तो बनाइए, अपना टाइम लीजिए, आपके पास 200 साल है, ठंडा होने से पहले ही आप इसको व्यवस्था कर लीजिए। और ऐसा नहीं कि आपको एक बड़ा सा कलेक्टर बनाना है, कई सारे छोटे छोटे से भी काम हो जाएगा। ठीक है, आपने पावर का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, आपने बोला ठीक है भैया 100 टेरावाट का हम सोलर कलेक्शन बना दें, अगर बाद में ज़रूरत पड़ा और का तो और बना लेंगे। तो ठीक है, वो तो प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दिया। उसके बाद आप ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। अब आप प्लैनेट के बारे में बात कर रहे हैं, इधर से उधर आने जाने की बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा चाहिए ना जिससे आना जाना आसान हो। अब आप हर कोई तो स्पेस एलिवेटर यानी अंतरिक्ष में जाने वाला लिफ्ट के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो सबको पता है कि नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो जिस रस्सी पर आप बात कर रहे हैं वो 30,000 किलोमीटर होना चाहिए। 30,000 किलोमीटर लंबा रस्सी हम लोग नहीं बना सकते जो अपना वजन से ही ना टूट जाए। स्पेस एलिवेटर आराम से बनाया जा सकता है, चांद जैसे चीज़ पर आराम से बनाया जा सकता है। मंगल पर थोड़ा दिक्कत होगा, मंगल की ग्रेविटी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन हो सकता है। धरती और वीनस पर तो सवाल ही नहीं होता, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है जो कि एलिवेटर से भी ज़्यादा लोगों को आने जाना अलाउ करेगा, जिसे हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल रिंग। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है एक बंदे का, वो इंग्लिश में, क्षमा कीजिएगा मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये ऑर्बिटल रिंग से आप ऐसे समझिए कि रिंग बना रहे हैं जो लो अर्थ ऑर्बिट पे है, और उस रिंग के ऊपर आपने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा के रिंग को घुमाते जा रहे हैं, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका एक जगह पर रुक गया। आप दो रिंग ऐसा करेंगे, एक क्लॉकवाइज घूमेगा, एक काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा, और आपका रिंग वहीं पर रुक जाएगा, तो वहाँ पर आप खड़े रह सकते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल रिंग। इससे आप कई लाख करोड़ टन मतलब पर घंटे अप डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रस्सी है ये सिर्फ 100 किलोमीटर की है। 100 किलोमीटर का रस्सी तो आप स्टील से भी बना सकते हैं, लेकिन आप स्टील से नहीं बनाना चाहोगे, फालतू का बहुत ज़्यादा वजन होगा। आप बनाना चाहोगे इसको मतलब केवलार से, या उससे भी अगर कोई ग्राफीन आ गया तो कोई बात ही नहीं है, तब तो आप समझिए। और इससे आप बोलोगे कि अगर ऐसा कर सकते हैं तो धरती में क्यों नहीं करेंगे, धरती में पॉलिटिक्स बहुत है, मतलब ये समझिए पूरा ग्रह को कवर कर रहा है। तो बहुत लोग बोलेंगे नहीं हमको अपने ऊपर नहीं चाहिए, बहुत लोग बोलेंगे हमको ये रस्सी चाहिए, हर जगह तो आप दे नहीं सकते, मतलब दे सकते हैं लेकिन आप समझिए जितना जितना रस्सी आप लगाते जाएंगे स्टेबिलिटी के लिए आपको कुछ चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअली वहाँ टिका रहेगा, लेकिन वो थोड़ा सा दाएँ बाएँ वॉवल होने से बचाने के लिए आपको रखना पड़ेगा कि भैया थोड़ा सा मतलब समझ रहे बांध के रखने जैसा करना पड़ेगा। अब वो रस्सी आप बहुत दूर तक नहीं ठेलना चाहेंगे कि मतलब पोल तक खींच दिया तो, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप चाहोगे कि थोड़ा
थोड़ा थोड़ा ही दूर, थोड़ा दाएं, थोड़ा बाएं, मतलब इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे रखें, तो उस दरमियान आप ऐसा कर सकते हैं कि ये आराम से 300-400 किलोमीटर लंबा धागा हो जाएगा इसका, आपका बन गया। ये सब बनाने में बहुत टाइम लगता है। इस तरह की टेक्नोलॉजी बात करें, मतलब समझिए हम लोग को जितना स्पेस रेस करने में टाइम लगा, यानी 60 साल, उतना लग जाता है। तो समझिए, अगर बस ऊर्जा का व्यवस्था आप कर लीजिए, ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था कर लीजिए, और इसमें आना जाना बहुत आसान होता है। मतलब हर कोई ट्रेन का टिकट जितना दे के अंतरिक्ष में जा आ सकता है। धरती में नहीं किया जा सकता, पॉलिटिक्स जान मार डालेगा इसका। तो आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, आपने ट्रांसपोर्ट का सॉल्व कर दिया। उसके बाद ये होता है कि वीनस में पानी नहीं है, तो पानी का क्या कीजिएगा? तो बहुत लोग बोलेंगे भैया बर्फ़ ट्रांसपोर्ट करते हैं। आइडिया सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन बहुत बुड़बक वाला आइडिया है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत है वीनस में और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत है। तो यानी कि मतलब आप कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ना चाहोगे, क्योंकि आप कार्बन डाइऑक्साइड का एज ए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रखना चाहते ना, क्योंकि कल को लीक हुआ तो वो वापस ग्रीन हाउस इफेक्ट कर देगा। तो इस कारण से आप उसको तोड़ना चाहते हो, ठीक है? तोड़ के तो आपको ऑक्सीजन बहुत मिल जाएगा, लेकिन उस ऑक्सीजन आपको बताया था कि बहुत एक्टिव एलिमेंट है, तो उसको किसी चीज़ के साथ बांधना पड़ेगा। उसको बांधने का सबसे बढ़िया चीज़ हाइड्रोजन, तो आपको पानी मिल जाएगा। और हाइड्रोजन इधर से उधर ले जाने में फ़ायदा ये होता है कि अगर आप एक टन हाइड्रोजन ले जाते हैं, मान लीजिए आप लाए एक टन हाइड्रोजन, तो आपको लगभग 18 टन पानी मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत हल्की होती है और वजन के हिसाब से आपका रॉकेट का साइज फर्क पड़ता है। वो इसीलिए रॉकेट को हमेशा टन में नापा जाता है, और लीटर के मामले में भी वही चीज़ हो जाता है। तो डेंसिटी को आप हटा भी दीजिए, आपका मास से फर्क पड़ रहा है वो इधर से उधर ले जाने में। तो आपका रॉकेट, आप 18 टन पानी ले जाइए या 18 टन हाइड्रोजन ले जाइए, तो 18 टन हाइड्रोजन लगाने के बाद आप समझ रहे हैं बहुत ज़्यादा पानी आपको मिलेगा ग्रह पे। तो इसलिए हाइड्रोजन माइनिंग करना पड़ेगा, ठीक है? तो हाइड्रोजन माइनिंग करना है तो आप धरती से तो इसको ले नहीं जा सकते, बोला धरती का ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग है, चांद पे उतना पानी है नहीं, तो करेंगे क्या? इसके लिए सबसे बेस्ट जगह है टाइटन, जो कि सैटर्न का एक चांद है। तो सैटर्न का चांद से आप, टाइटन के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ, टाइटन में दो तीन चीज़ है। सबसे पहला चीज़ है कि वहाँ वाटर है, मतलब यानी आइस है, बर्फ़ है। जैसे जैसे आप सूर्य से दूर चलते जाएंगे आपको बर्फ़ आसानी से मिलने लगेगा। नज़दीक पे दिक्कत होता है, यानी समझ रहे मंगल से नीचे आने लगेंगे तो दिक्कत होगा, लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे आराम से मिलने लगेगा। तो पानी तो मिल गया, ठीक है। पाइनों के बाद आपको हाइड्रोकार्बन है वहाँ पे। वहाँ पे समुंदर है आप समझिए, लेकिन ये समुंदर मीथेन का है, यानी बायोगैस की समुंदर है। तो आप एक पाइप चाहिए, डाल दीजिए, मीथेन खींचिए, बर्फ़ है, बर्फ़ को काट काट के निकाल लीजिए, और इसके बाद इसमें एक प्रोसेस लगाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं स्टीम रिफॉर्मिंग। तो पानी मिल रहा है आपको, हाइड्रोकार्बन मिल रहा है, इसका इस्तेमाल करके आप आराम से लिक्विड हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। पहले तो आपको सिर्फ हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, आपको हाइड्रोजन मिल गया। अब उस हाइड्रोजन को कंप्रेस करके लिक्विफाई करने के लिए आपको ठंडा जगह चाहिए। इससे ज़्यादा ठंडा जगह नहीं है हमारे सोलर सिस्टम में, तो समझ लीजिए यहाँ पे आप आराम से लिक्विड हाइड्रोजन का पूरा बना सकते हैं। और यहाँ पे आपको स्पेस एलिवेटर चाहिए होगा। जैसे कि मैंने बहुत बार बात किया है कि चांद पे अगर आप 100-200 टन ले जाने के लिए रॉकेट ठीक है, कई हज़ार टन के लिए नहीं ठीक है। तो उसके लिए आप मैगलेव इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि चुंबकीय ट्रेन, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है तो आप बहुत स्पीड से फायर करके भेज सकते हैं। और चांद की ग्रेविटी कम होने के चलते आपको स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 8000 किलोमीटर प्रति घंटा चाहिए। आप बोलोगे धरती में कितना चाहिए? धरती में 24000 किलोमीटर प्रति घंटा चाहिए, इसलिए धरती में कुछ नहीं। और अगर बना भी दिए ट्रेन जो इतना तेज चलता है, जैसे ही वो पर्यावरण से भिड़ेगा, यानी एटमॉस्फेयर से भिड़ेगा, ब्लास्ट कर जाएगा। तो एटमॉस्फेयर समझ सकते हैं बहुत गर्मी पैदा करता है। तो यहाँ पे भी ये दिक्कत है कि एटमॉस्फेयर है तो हम लोग मैगलेव इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो कि चांद में कर सकते हैं। तो यहाँ स्पेस एलिवेटर बनाना पड़ेगा। और एनर्जी के लिए, ये सब करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन चाहिए। अगर फ्यूजन मिल गया तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो फ्यूजन से ही करना पड़ेगा। सोलर यहाँ पे काम नहीं करेगा, ये बहुत दूर है, सोलर यहाँ काम नहीं करेगा। तो ठीक है, अब इतना अगर आसान है, इतना सब चीज़ तिगड़म है, सिर्फ 200-300 साल की बात है, तो इसको करने के लिए इंसानियत को क्या चाहिए? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इंसानियत का सोच उसके उम्र से डिपेंड करता है। अगर आप ऐसे टाइम में जाते हैं जिस टाइम खूब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, खूब खून खराबा हो रहा है, लोग 20 से 30 साल जी रहे हैं, तो उनका सोच विचार अलग होता है। आप हमारे टाइम में आइए, हम लोग जहाँ 60 साल तो मतलब आँख मूंद करके जी जा रहे हैं, तो हमारा सोच बदल जाता है। अब मानिए कैसा होगा इंसान का सोच अगर वो 100 साल तक जीने लगे। तब बोले नहीं तो मजाक नहीं, आजकल लोग जी रहे हैं, मतलब काफ़ी बच्चों जिनका जन्म आज हुआ है वो जी सकते हैं 100 साल तक। आप तो एक दो लोग को तो आपको मिल ही गए होंगे जो 100 साल क्रॉस कर गए हैं, और 120 तक तो इंसान अब छूने लगा है, इतना मेडिकल टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो गया। और जो एवरेज डेथ एज थी कि मतलब बहुत लोग मर रहे थे पहले, वो अब धीरे धीरे ऊपर आने लगी है। इतना ऊपर आ गया है कि हम लोग लगभग कहिए 90 साल तक तो कोई बड़ी बात होती ही नहीं है। और अब मेडिकल साइंस इस जगह पे पहुंच गया कि अब एजिंग को एजिंग की तरह नहीं देखा जाए, कुछ होता है, अब वो बीमारी की तरह देखा जा रहा है कि ठीक है तुम्हारे सेल में ये बिगड़ रहा है, इसको ठीक किया जाए। और ऐसा नहीं कि हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, कल पोलियो का क्योर की तरह ठीक कर देंगे, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन गाड़ी खुल गई है।
लोग काम करने लगे हैं। मैं जिस टाइम बच्चा था, कैंसर बहुत बड़ा बात होता था, कैंसर का इलाज नहीं हो सकता। आज मैं जिस टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दो लोगों मेरे परिवार में कैंसर का हुआ तिगड़म, और इलाज करके ठीक होकर सब लोग चलने लगे। मतलब कोई बड़ी बात हुई नहीं, अरे कैंसर हुआ, पकड़ा है, ठीक किया, चलो ऐसा। हाँ, मतलब लकी थे कि काफ़ी जल्दी डिटेक्ट हुआ, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि कैंसर जो जानलेवा होता था, उससे ऐसा टाइम में हम जी रहे हैं जहाँ पे कि अरे छोड़ो ना, कैंसर हुआ है, ठीक कर दूँगा, कोई टेंशन नहीं है। तो आप समझिए कि हमारा उम्र जैसे बढ़ते जाए तो इस तरह का दूर का चीज़ दूर नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आप अभी किसी आदमी को बोलते हैं खर्च करो इसके लिए, कोई मान लिया बहुत करोड़पति, तो वो बोलेगा भैया मेरे पोता के पोता के पोता के पोता के पोता इस्तेमाल देख पाएगा। लेकिन अगर आयु लंबी हो जाती है, हम लोग 100 से 150 साल नॉर्मल जीने लगते हैं, तब होगा कि अरे मेरा पोता के लिए हम बना रहे हैं, तो आप उस पर खर्च करने में अच्छा लगेगा। और आपको, क्योंकि मान लीजिए आप दादाजी अब किए, बाप को भी करने में लगेगा, अरे यार, क्योंकि अब बाप तो देखेगा कि अरे भैया हो रहा है, काम हो रहा है, गाड़ी आगे बढ़ रही है, टेम्परेचर पहले 400 डिग्री सेल्सियस था, 300 डिग्री सेल्सियस हो गया, अब 150 हो गया है, तो अब मतलब उनको दिखने लगेगा। तो समझ रहे, उनको भी काम करने में मन लगेगा कि भैया ये तो समझ रहे फिनिश लाइन पहुँच रहा है। तो हमारा आयु बढ़ना ज़रूरी है। दूसरा, चांद का जब तक माइनिंग स्टार्ट नहीं होता, ये सब बस सपना है। चांद का माइनिंग के बारे में आप मेरा वीडियो यहाँ देख सकते हैं। चांद का माइनिंग किए हो जाएगा, नहीं किए तो बस घोड़ा गाड़ी है। तो वो तो पहला। दूसरा, मतलब एक फाइनल बात जो है कि मंगल पे जब एक्चुअली पहुँच जाएंगे, यानी रियलिटी जो है, मतलब हकीकत क्या है मंगल पे जाने का, जब ये हकीकत सामने आएगा तब लोग इस पे थोड़ा ध्यान देने लगेंगे। क्योंकि ये इलॉन मस्क से मुझे यही एक समस्या रहती है कि जनाब जी थोड़े भावनाओं में बह जाते हैं, और थोड़ा ज़्यादा ही बह जाते हैं। तो आप ऐसा समझिए कि इन्होंने मतलब दिखा रहे थे प्रेजेंटेशन में कि मंगल है, मंगल पे रॉकेट लैंड किया, वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कॉलोनी बनाए, और धीरे धीरे मंगल ऐसे घूम रहा है, उसमें पानी आ गया, एटमॉस्फेयर भी आ गया। मतलब ये क्या है, ऐसे नहीं होता। और अगर आप एटमॉस्फेयर दे दी, बोले ये पकड़ के नहीं रह सकता, ग्रेविटी बहुत कमज़ोर है। और इस तरह का जब मैंने अपने दोस्त को दिखाया तो बोले कि मजाक है क्या, कोई वीडियो गेम से उठा के ला लिया? वीडियो गेम का ही है, मुझे नहीं पता कौन वीडियो गेम का, लेकिन वीडियो गेम का ही है। तो ऐसा नहीं होता, आपको ज़मीन के अंदर रहना पड़ेगा। नहीं तो, क्योंकि आप खिड़की नहीं लगा सकते, उस पर भी आप मेरा वीडियो देख सकते हैं कि आप खिड़की नहीं इस्तेमाल कर सकते मंगल पे या चांद पे, आपको कांच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब कांच बोल रहा हूँ, मतलब शीशा इस्तेमाल करना, रिफ्लेक्ट करके लाइट आ सकता है। आप सीधे सीधे लाइएगा तो रेडिएशन आपको बोलेगा अच्छा बेटा चलो हम थोड़ा तुमको जल्दी यमराज के पास ले जाते हैं। तो इस कारण से समझ लीजिए कि मंगल सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आज कर सकते हैं, मतलब आज गाड़ी खोलेंगे आज ही पहुँचेंगे, लेकिन वो बस आज पहुँचने के बाद आप कल वापस आ जाओगे, क्योंकि भले नहीं भैया यहाँ कोई मतलब नहीं है। क्योंकि बताया आपको कि ग्रेविटी इतना कम है यहाँ पे कि जो लोग यहाँ रहेंगे वो वापस धरती पे नहीं आ सकते। मतलब आ सकते हैं, तगड़म बहुत होगा, बहुत तकलीफ होगी, जैसे होता है हमारे एस्ट्रोनॉट्स को जो ISS से लौट के आते हैं। तो इस कारण से आप समझ लीजिए कि जैसे मंगल की हकीकत आएगी, हमारी आयु लंबी होने लगेगी, और चांद का जब हम लोग एक्चुअल इस्तेमाल करने लगेंगे, तब ये सब संभव हो सकता है। इसीलिए मैं इसे फ्यूचर फ्राइडे में बनाया हूँ। और ये था मेरा प्रेजेंटेशन वीनस टेराफॉर्मिंग के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ मज़ा आया हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप कमेंट लिखिए कि अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे, और आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए आप #S2T का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप घंटी बजा दीजिए अगर फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।